नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है 7th, 8th, 9th और 10th जेपीएससी को लेकर, कटअप को लेकर एक बार फिर से थोड़ी सी स्टूडेंट्स के बीच में आपस में भी ये लग रहा है कि कितना नंबर आ पाएगा, कहां पर वो बॉर्डर लाइन है, कहां पर वो सेफ है। हालांकि ये सिर्फ एक संभावना है, चाहे वीडियो हमारी हो या फिर दूसरे लोगों की हो, वो संभावना है, फाइनल कटअप नहीं है। 28 तारीख के बाद फिर से जब मॉडल की में सुधार करके जब आंसर आएगा तो नए सिरे से आपका कट ऑफ तैयार होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमने अपनी पुरानी वीडियो में जो बताया था, एक बार फिर से उसे आपकी सुविधा के लिए दोहरा देते हैं, ताकि आप किस लाइन और लेंथ पर खड़े हैं इसे विचार करेंगे। जनरल कास्ट में और ईडब्ल्यूएस में हमने बताया था कि जो सेफ स्कोर होगा वो 120 क्वेश्चन का होगा। 120 क्वेश्चन का मतलब होता है 240 नंबर। हमने ये भी बताया था कि 240 मार्क्स अगर किसी का आ गया, इसका मतलब वो 100% सेफ है। लेकिन जो जिनका स्कोर 120 के बदले 110 प्रश्न होता है, 110 प्रश्न का मतलब 220 स्कोर होता है, तो वो भी अपने आप को सेफ मानेंगे। यानी कि 220 से 240 के बीच आपका सेफ होगा जनरल कास्ट में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसी प्रकार से BC1 और BC2 में आपको हम जो स्कोर बता रहे हैं, ये 2-3 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, हमारे अनुसार उससे ज़्यादा से वेरिएशन नहीं होगा। 205 से लेकर के 215 के बीच में जो है वो BC1 और BC2 वाले सेफ है, और SC और ST में दोनों कैटेगरी में 185 से लेकर 200 के बीच में अगर आप हैं तो सेफ है। हालांकि इसमें 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार से रखेंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड ग्रुप है उसमें 175 से अगर आपका ऊपर आ रहा है तो आप सेफ है। कई बार स्टूडेंट ने मैसेज किया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431156794 पर, इसलिए वीडियो फिर से बनाया गया है। लेकिन हम साथ में ये आश्वस्त कर दें कि ये स्कोर, ये वेरिएशन 28 के बाद बदल जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से मॉडल की में सुधार होगा। हम तक जो जानकारी है, जो हमें लग रहा है कि तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन के उत्तर बदल जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। लेकिन इस वक्त में आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। हालांकि बहुत कम स्कोर कुछ लोगों ने बताया है, हम जो हमारे पास में वीडियो अलग अलग स्थान से आता है, अलग अलग स्थान से स्क्रीनशॉट पहुंचता है, तो लोगों ने बताया है कि जनरल में क्या 180 जिनका मार्क्स आ रहा है क्या वो सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल में 180 वाले पर होना बहुत मुश्किल होगा। कुछ देर के लिए आपको खुशी हो सकती है कि हम 180 ला रहे हैं, 190 ला रहे हैं, तो हमारा स्कोर सेफ है। हमें लगता है कि कंप्लीट बॉर्डर लाइन है और आपको आगे भी दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। BPSC के फॉर्म आ चुके हैं तो BPSC का तैयारी भी करना चाहिए। JPSC में जिन छात्र छात्राओं का पहला पेपर जो है, फर्स्ट पेपर में जिन लोगों ने 70+ सही कर दिया है, वो BPSC के लिए फिट कैंडिडेट हैं और उनको BPSC पर जरूर से ध्यान देना चाहिए। हम अपनी वीडियो में किसी स्टूडेंट के मन मुताबिक नहीं बताते हैं, कुछ लोग हमसे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट के बाद उस सच को जानना पड़ता है। इसलिए फिलहाल अगर आप अलग अलग कैटेगरी में हैं तो जो हमने स्कोर बताया है उस स्कोर में आपको रहना होगा। दूसरा सवाल ये है कि इस बार कटअप जो है वो 200 से ऊपर कैसे चला जा रहा है। इसका मूल कारण है कम बच्चों का सिलेक्शन होना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का APR होना। 2,40,000 के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा में अंतिम रूप से शामिल हुए, लेकिन इसमें रिजल्ट सिर्फ 3780 स्टूडेंट का होगा, तो 3780 का होगा। लेकिन इसमें एक दुविधा और है, बहुत से स्टूडेंट का इन्विजिलेटर की गलती के चलते उनके कॉपी में प्रॉब्लम हुआ है। मसलन उनको ये नहीं पता था कि हमको टेस्ट सीरीज ए मिला है पहला सिटिंग में, तो दूसरा में हमको ए मिलना चाहिए। कुछ कुछ सेंटर पर एक ही सेंटर के अंदर अलग अलग रूम में ये दिक्कतें आई। आमतौर पर सीरीज बुकलेट सीरीज दोनों सिटिंग में एक ही रखा जाता है। अगर आपको सिटिंग ए में
डी दिया गया है तो सिटिंग बी में भी आपका डी होना चाहिए, लेकिन ये इन्विजिलेटर की गलती से बदल गया। कुछ कुछ स्टूडेंट की ऐसी भी दिक्कत आई कि जब वो कॉपी में 5-7 क्वेश्चन बना लिए थे तब इन्विजिलेटर को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, तो उन्होंने उस रूम में ये बोला कि आप रुक जाइए थोड़ा देर के लिए, और फिर से कॉपी चेंज की गई। कुछ लोगों के एडमिट कार्ड के पीछे साइन भी किया गया, उन्हें बताया गया कि ये इन्विजिलेटर की गलती है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये इन्विजिलेटर की गलती के लिए जिम्मेवार कौन होगा और कहीं इसकी कॉपी रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा। कुछ लोग सिग्नेचर करना भूल गए, हालांकि ये स्टूडेंट की पूरी फॉल्ट मानी जाएगी कि बुकलेट सीरीज चढ़ाना भूल जाना, बुकलेट सीरीज को कलर करना भूल जाना, ऊपर में आपने नाम लिखा लेकिन नीचे अपना कलर करना भूल गए, कुछ लोग कलर किए तो ऊपर नाम लिखना भूल गए, फिर भी परीक्षक इसी कारण से तैनात होते हैं। उनका ये जिम्मेवारी होता है कि जिस समय वो अपने रजिस्टर में साइन करवाते हैं जब देखते हैं उस समय इन खामियों को देखें और बच्चों को बताएं। क्योंकि स्टूडेंट नर्वस रहते हैं, जो लोग पहली बार परीक्षा लिख रहे हैं या पहले भी लिखे हैं, परीक्षा के समय वो नर्वस हो जाते हैं, इसका पूरा खामियाजा इस समय स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जेपीएससी में लोग क्लेम तो कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, चिट्ठी भी कुरियर से भेज रहे हैं, लेकिन क्या ये जेपीएससी इन बातों को गंभीरता से लेगी, ये बड़ा प्रश्न है। पिछली बार भी जेपीएससी में इस प्रकार की जो दिक्कत हुई थी, सीधे तौर पर उनकी कॉपी को रिजेक्ट किया गया। जेपीएससी ने ये बोल दिया कि हम आरटीआई के तहत ये नहीं बता सकते कि आपका कितना सही हुआ है, बल्कि आप रिजेक्ट हो गए। लेकिन जरा सोचिए कि किसी स्टूडेंट का स्कोर 260-270 हो जा रहा है और उसके बाद वह इनमें से कोई कारण से छट जाएंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, और उनको एक मौका उनके उनके पूरे इस काल का जो तैयारी वाला काल होता है उससे उनका एक मौका चला जाएगा। इसके लिए जेपीएससी को पहले सारे परीक्षकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, जैसे सीबीएसई के जब कॉपी भी चेकिंग होते हैं उसके जो एग्जाम होते हैं तो ट्रेंड टीचर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताया जाता है कि आप एक एक स्टेप पर कैसे सुधार कीजिएगा, परीक्षा कैसे लीजिएगा। टेट सीटेट परीक्षा के दौरान भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जेपीएससी इतनी बड़ी परीक्षा ले रही थी, सही प्रकार से ट्रेनिंग ही नहीं दिया और इसका नतीजा हुआ कि बहुत से होनहार बच्चों का रिजल्ट आने में दिक्कत हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस अवस्था में स्कोर तकरीबन 2-3% घट जाएगा, यानी कि जो स्कोर 220 हो रहा है वो 216-212 के आसपास आ जाएगा। अगर जेपीएससी इनकी रिक्वेस्ट को मान लेती है, मसलन सिग्नेचर छूट गए तो आपकी अपनी गलती हो गई है, लेकिन आप ऊपर में ए लिखे लेकिन नीचे कलर करना भूल गए, आपकी दोनों सिटिंग में आंसर अलग अलग हो गया है, ये सब छोटे छोटे फॉल्ट हैं जो आपको उसी समय पर सेंटर इंचार्ज से पूछना चाहिए था। आप लोग बड़ी संख्या में वहां थे और अब तो सेंटर वाले मानेंगे नहीं, तो ये आपकी गलती है। फिर भी आप जेपीएससी को जरूर से बताइए जहां जहां पर आपकी गलती हुई है। कुछ लोग अपना रोल नंबर भी लिखना भूल गए, हालांकि इसके लिए परीक्षक को सिर्फ जिम्मेवारी नहीं दिया जा सकता है, ये जिम्मेवारी छात्र छात्राओं की भी होगी कि आप इतना महत्वपूर्ण परीक्षा लिखने पहुंचे हैं और वहां पर जाने के बाद आप अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, सेंटर में सेंटर कोड लिखना, मतलब आप बुकलेट सीरीज का कोड लिखना भूल जाते हैं, तो ये सारी दिक्कतों की बात होती है। अब सवाल ये उठता है कि किसे जाकर के बताइएगा। इसके लिए जेपीएससी के हेल्पलाइन सेट पर जो दिया हुआ है नंबर, उस पर आप पहले तो मेल कर दीजिए, जेपीएससी को अविलंब इस पर चिट्ठी लिखिए, और आप 28 तारीख के बाद व्यक्तिगत तौर पर भी जेपीएससी में जाकर बात करने की कोशिश कीजिए उसी लेटर के आधार पर जो आपने मेल किया था और जिसकी कॉपी आपने रजिस्टर्ड डाक से भेजा था। हो सकता है कि आपकी बात को अगर जेपीएससी सुन ले तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि इस प्रकार की दिक्कत जब यूपीएससी में कोई होती है तो यूपीएससी वाले बहुत गंभीरता के साथ आपको जवाब देते हैं, वहां जाने पर आपको रिस्पेक्ट के साथ बैठाते हैं और वो ये जानते हैं कि आपकी गलती हुई है,
लेकिन हो सकता है कि आप कल को आईएएस टॉपर हो जाएं, इसलिए आपकी पूरी फाइल वहां पर अलग से बनती है और उसको देखा जाता है कि आपकी गलती कहां पर हुई है। जेपीएससी को भी इसी प्रकार से आगे आकर के सामने आकर के स्टूडेंट के हित में विचार करना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि 28 तारीख के बाद क्या होगा, 28 के बाद नया आंसर की जारी होगा। फिलहाल आपका जो आंसर की आ गया है, इसके बाद काफी लोगों ने अलग अलग स्रोत से 22 केवी में फाइल बना करके भेज दिया है जेपीएससी को। जेपीएससी उसमें आपका पूरा नाम पूछ रही है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर था, ये भी पूछी है। हालांकि ये पूछने का कोई रिलेवेंट आधार नहीं है, आपसे सिर्फ ये पूछना चाहिए था कि आप गलती बताइए। हालांकि जेपीएससी ने गलती के साथ गलती बताने वाले का पूरा लेखा जोखा मंगाया, जिसके चलते स्टूडेंट के मन में भी दुविधा हो रही है कि वो पूरा बताएं या नहीं बताएं। लेकिन आपको बताना चाहिए, तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन का उत्तर बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस उत्तर को आप किस स्रोत से बताइएगा। फिलहाल सबसे बेहतरीन स्रोत एनसीईआरटी है, जिसे जेपीएससी मानेगी। असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो परीक्षा हुआ था, जिसमें 21 प्रश्न का उत्तर बदला गया, उसमें भी एनसीईआरटी को आधार माना गया था। इग्नू के स्टडी मटेरियल को भी आधार माना गया था, और साथ ही साथ झारखंड सरकार का वेबसाइट, झारखंड सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन को भी आधार माना जाता है। झारखंड राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा जो किताब छापी जाती है, जो प्रिंटिंग कराई जाती है, जो सरकारी स्कूल में चलता है, उसे भी माना जाता है। इसके अलावा जो रिनॉन्ड ऑथर हैं इतिहास में, भूगोल में, आप उनको भी लेकर के चल सकते हैं। तो सारे स्रोत के बाद स्टूडेंट्स ने आपत्ति दर्ज करा दिया है। तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन पर आपत्ति हो गया है। अगर ये 20 क्वेश्चन के उत्तर बदल जाएंगे, ऐसे में स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो स्कोर आपको लग रहा है कि आप 240 पे खड़े हैं, तो हो सकता है कि आप 222 पर आ जाएं, या फिर आप 255 पर चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। जिनका स्कोर 190 है, वो अचानक से आगे बढ़ते हुए 210 पे जा सकते हैं, जो 220 पे खड़े हैं वो नीचे गिर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा अब इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार परीक्षा लिख दिया, आपको एक अंदाजा मिल गया, आप 200 से ऊपर चले गए हैं, तो आप इत्मीनान से होकर के मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। आप अपने अनुसार देखेंगे, लेखन शैली विकसित करेंगे, और ये सोचेंगे कि अभी कई एग्जाम, कई पड़ाव बाकी है, बीपीएससी काफी वैकेंसी लेकर के आपके साथ आई है, उसको भी लिखेंगे। यहां पर वैकेंसी की संख्या कम है, बीपीएससी में ज्यादा है, तो बिहार लोक सेवा आयोग को भी साथ में लेकर के चलेंगे। और यूपीएससी जो लोग लिख रहे हैं, वो आने वाले समय में तीनों परीक्षा लिखेंगे। जेपीएससी अगले बार जब होगी, उसमें एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कब हो सकता है, इस पर हमने कल एक वीडियो बना दिया था आपके लिए। और आज ये वीडियो हमने जो बनाया, ये कट ऑफ को लेकर के बनाया कि आप किस कट ऑफ कैटेगरी पर हैं, इस पर आपका जो लेखा जोखा होगा, चूंकि 15 गुना ही रिजल्ट आ रहा है। ये भी बता दे कि पीटी में कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आपने अच्छा नंबर लाया है, तो आप जनरल में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप फिर रिजर्वेशन कैटेगरी में रिजर्व नहीं मिलेगा मेंस में, ऐसा नहीं है। फाइनल में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पीटी में 15 गुना रिजल्ट है, यानी कि बैरियर 15 गुना पर लगेगा, और इस पर जेपीएससी को देखना होगा वह कैटेगरी वाइज किस प्रकार से लेती है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, जो वीडियो आपके लिए जरूरी होगा हम जरूर बताएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।